बैड समटाइम्स फॉर द एक्टर जिसको आप रिप्लेस कर रहे हो, बट हर जगह अच्छे और बुरे एक्टर्स होते हैं. लेकिन कभी कभी प्रोड्यूसर्स ऐसे होते हैं जो मैं उम्मीद करूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें ये रिश्ता के जो फैंस हैं. और पहले तो क्या कहेंगे, कितना एक्साइटेड हैं आप और क्या फीडबैक अभी तक आपको मिल रहा है दर्शकों की तरफ से? आई एम वेरी एक्साइटेड और दर्शकों की तरफ से भी मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है. कुछ लोग होते हैं जो ऑब्वियसली पुराने एक्टर्स से भी जुड़ जाते हैं, बट वो उनके अपने इमोशंस हैं. बट मुझे बहुत ही कमाल का रिस्पांस मिल रहा है एंड पीपल आर रियली दे आर सो वेलकमिंग. तो बहुत अच्छा लग रहा है. भाई थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अगर आपकी अगर बात करूँ तो प्रेशर है आपके ऊपर? नहीं यार, मैं एक्चुअली इतने सालों से काम कर रहा हूँ तो प्रेशर नहीं होता. ऑफकोर्स यू फील बैड समटाइम्स फॉर द एक्टर जिसको आप रिप्लेस कर रहे हो, बट मुझे अपना काम करना है और इस कैरेक्टर को मुझे अपनी तरह से प्ले करना है, तो प्रेशर जैसी कोई बात नहीं है. आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं राजन सर के साथ में काम कर रहा हूँ और ये रिश्ता जैसे ब्रांड शो के साथ मुझे एसोसिएट करने का मौका मिल रहा है. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल. लेकिन जिस तरह से अभी बोला जा रहा है यहाँ पे कि कुछ एक्टर्स जो थे वो अनप्रोफेशनल थे, काम के प्रति वो लॉयल नहीं थे, आपका क्या रिएक्शन था ये सब सुनने के बाद? ऐसे एक्टर्स बहुत जगह पर होते हैं, बट मेकर के अंदर एक्चुअली इतने गट्स होने चाहिए कि वो इतना बड़ा रिस्क ले, जो कि राजन सर ने ज़रूर दिखाया है. तो हर जगह अच्छे और बुरे एक्टर्स होते हैं, लेकिन कभी कभी प्रोड्यूसर्स ऐसे होते हैं जो रिप्लेस नहीं कर पाते चाहते हुए भी, बट इन्होंने किया तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम. कैसा लग रहा है अभी तक अरमान का कैरेक्टर आपको? अभी मुझे 2 ही दिन हुए हैं तो अच्छा लग रहा है. आई एम ट्राइंग टू नो कि अरमान कैसा है. तो जब भी टाइम मिलता है डायरेक्टर से मैं ब्रीफिंग लेता रहता हूँ, क्योंकि इतना टाइम मुझे मिला नहीं प्रिपेयर करने के लिए. मैं इसके पहले जितने भी शोज़ मैंने जो बड़े शोज़ किए उनमें मुझे काफ़ी टाइम मिलता रहा, तो एक कैरेक्टराइजेशन करने का टाइम मिलता रहा, इसमें वो मिला नहीं है, बट हो जाएगा धीरे धीरे. पहला रिएक्शन क्या था जब आपके पास में इसका कॉल आया और आपको मालूम पड़ा कि भाई इस कैरेक्टर के लिए आप चुन लिए गए? मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि मैं ये रिश्ता के लिए मुझे बुलाया जा रहा है और मुझे टेस्ट किया जा रहा है, टू बी ऑनेस्ट. जब मुझे पता चला तो ऑब्वियसली आई वाज वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल. कि शीना का क्या रिएक्शन है उनका भी? शीना का तो रिएक्शन बहुत अच्छा है. एक्चुअली शीना मुझे बहुत टाइम से बोलती थी कि तुम्हें एक्चुअली यू नो जो सोशल ड्रामा है ऐसे शोज़ करने चाहिए, तो उडारियाँ भी लेने का सबसे बड़ा रीज़न शीना ही थी और ये वाला शो साइन करने का भी सबसे बड़ा रीज़न शीना ही है. थैंक यू भाई. लास्टली जो भी दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने सालों तक पसंद किया है और मेरे काम को पसंद किया है, मुझे पसंद किया है. तो मैं उम्मीद करूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें ये रिश्ता के जो फैंस हैं और मुझे एक मौका दें और देखें कि मैं आप लोगों की जो जो उम्मीद है उस पर खरा उतर पाता हूँ या नहीं. थैंक यू सो मच. ओके.